पर निर्भर होता है। इंजीनियरिंग में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए अत्याधुनिक वैज्ञानिक प्रगति के बारे में मैं जानकारी बनाए रखना आप सबके लिए सहायक सिद्ध होगा। हाल ही में घोषित किए गए वर्ष 2024 के नोबेल पुरस्कार विजेताओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े कार्यों पर दो वैज्ञानिकों को फिजिक्स के लिए तथा कुल चार वैज्ञानिकों को केमिस्ट्री के लिए चुना गया है। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क से लेकर माइक्रो आरएनए के अन्वेषण तथा प्रोटीन स्ट्रक्चर के प्रिडिक्शन तथा एनआई के उद्योग पर आधारित ऐसे कार्य साइंस और टेक्नोलॉजी की परंपरागत सीमाओं के ऊपर उठकर ही किया जा सकता है। फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्षेत्र में किए गए इन कार्यों से अनेक असाध्य बीमारियों के रोकथाम और इलाज के रास्ते खुलेंगे। यही इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी इनोवेशन को प्रोत्साहित करेगा। ये कहा जा रहा है कि जिस तरह इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद मनुष्यों के शारीरिक परिश्रमों को महीनों द्वारा सहायता और विस्तार प्राप्त हुआ, वैसे ही एआई रिवॉल्यूशन से मानसिक क्षेत्र के बड़े बदलाव आएंगे। पूरे विश्व में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विषय को प्राथमिकता दी जा रही है। भारत ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का संस्थापक सदस्य है। एआई का सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामरिक तथा अन्य कई क्षेत्र में गहरा प्रभाव पड़ेगा। इंडिया एआई मिशन के तहत स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित दिया जा रहा है। एआई से जुड़े अनेक क्षेत्रों में हमारे युवा इंजीनियर्स के लिए विकास के नए रास्ता खुलेंगे। हेल्थ केयर के क्षेत्रों में भी टेक्नोलॉजी का उपयोग निरंतर बढ़ रहा है। दोनों क्षेत्रों के विद्यार्थियों को इंटरडिसिप्लिनरी सहयोग के लिए सक्रिय रहना चाहिए। इसी वर्ष अप्रैल में मुझे टाटा मेमोरियल सेंटर तथा आईआईटी बॉम्बे द्वारा कैंसर के उपचार के लिए देश में विकसित की गई पहली जेनी थेरेपी का शुभारंभ करने का अवसर मिला था। कार टी सेल नामक ये उपचार विदेशों में विकसित किए गए ऐसे उपचारों की अपेक्षा बहुत कम खर्च में मरीजों के लिए उपलब्ध हो गया है। प्रिय विद्यार्थियों, मेरा इस बार का छत्तीसगढ़ प्रवास यहाँ के विद्यार्थियों को समर्पित है। मैं चाहूंगी कि आईआईटी बॉम्बे और टाटा मेमोरियल सेंटर के उदाहरण से प्रेरणा लेकर एनआईटी रायपुर के विद्यार्थी और प्राध्यापक, एम्स रायपुर, आईआईटी भिलाई और पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय के साथ सहयोग की संभावनाओं को समझे और उन्हें कार्यरूप प्रदान करें।